पूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। किसानों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, 2 साल में मिलेंगे लाखों कृषि कनेक्शन। सूरतगढ़ में 2 भाइयों सहित 5 जने करंट लगने से झुलसे। राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी नीलामी, मानसरोवर की वीटी रोड पर हाउसिंग बोर्ड ने बेचा 488 करोड़ का भूखंड। और खबरें विस्तार से। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में किसानों और बिजली आपूर्ति से जुड़े अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश में दिए गए कि बिजली कंपनियां युद्ध स्तर पर कृषि कनेक्शन जारी करें। अगले 2 वर्षों में 4.88 लाख कृषि कनेक्शन का लक्ष्य लिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ साथ किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आगामी 2 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कुल 488,625 नए और लंबित कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा का योजना का भी प्रारंभ किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना रहेगा। देसूरी से खबर, जहां चौधरा माता मंदिर के समीप एक खेत में काम कर रहे लोग अचानक 12 फीट लंबा विशाल अजगर आने से भयभीत होकर खेत छोड़कर भाग निकले। सूचना पर देसूरी उप सरपंच भवानी सिंह राठौड़ मौके पर पहुंचे। वह पूर्व रिटायर्ड वन कर्मी कानाराम मेघवाल के सहयोग से बड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू कर कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण के अरावली पर्वतमाला के जंगलों में छोड़ा। कस्बे के समीप अभ्यारण व बड़े बांध होने के कारण पिछले साल बारिश कम होने के कारण पानी व भोजन की तलाश में जीव जंतु आबादी व सहवासी क्षेत्रों में आ जाते हैं। वन विभाग की ओर से इस बार आमजन को जागरूक किया जा रहा है। सूरतगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 में एक मकान में बरसात के मौसम से विद्युत करंट लगने से एक ही परिवार के 2 भाइयों सहित 5 जने झुलस गए, जिन्हें आपातकालीन सेवा में 108 की मदद से ट्रॉमा सेंटर लाया गया। यहां चिकित्सकों ने भाइयों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक महिला सहित 3 युवतियों का प्राथमिक उपचार किया। इसमें से 2 युवतियों को CHC में इलाज के लिए भर्ती किया। हादसे की सूचना मिलने पर नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा, DSP शिवरतन गोदारा, सिटी थाना प्रभारी रामकुमार लेगा आदि मौके पर पहुंचे और घायलों की कुशल क्षेम पूछी। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम करीब 7:30 बजे वार्ड 11 में रामो पुत्र करडाराम के घर शारदा देवी आंगन में लगी तनी से कपड़े उतार रही थी। इस दौरान शारदा को करंट आ गया। उसे बचाने के चक्कर में उसका पति, उसकी पुत्री अमन उर्फ अनु, पुत्री महेंद्र बाजीगर व उसका भाई सरजीत पुत्र कुडाराम भी करंट की चपेट में आ गए। परिवार के 7 लोगों के करंट लगने से अन्य पड़ोसी दौड़कर मौके पर पहुंचे और उन्हें तुरंत आपातकालीन सेवा 108 की मदद से ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने रामू व सरजीत को मृत घोषित कर दिया। नागौर के मकराना शहर के बोरावड रोड स्थित रेलवे की पुलिया फाटक कल 14 जुलाई गुरुवार से 24 घंटे के लिए बंद रहेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे मकराना के अधिशासी अभियंता कुमार गौरव ने बताया कि फुलेरा डेगाना रेलवे परियोजना के तहत फाटक संख्या 37 पुलिया फाटक गुरुवार को सुबह 15 जुलाई शुक्रवार सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी, जिसके चलते यातायात व्यवस्था डायवर्ट की गई है। ऐसे में वाहन चालक कालानाड़ा रेलवे फाटक या बाईपास आरओबी होकर जाना पड़ेगा। बहराइच की नानपरा कोतवाली की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शातिर बाइक चोर गैंग का खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को धर दबोचा, जिनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है। इन बाइक चोरों के पास से 8 बाइक, 4 कट्टा, 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस लगातार इनके सिस्टम को खंगालने में जुटी हुई है। एडिशनल साहब, आज नानपारा पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है चोरी करने वाले बाइक चोरी चोर गिरोह का। क्या है पूरा ये मामला? जैसा कि अभी आपके सामने ये मामला प्रस्तुत हुआ है, नानपारा पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 चोरी की और अन्य प्रकार की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। अभी तक जो हम लोगों की बेचना हुई उसमें 3 मोटरसाइकिलें चोरी
हैं उनमें से अभियोग पंजीकृत हैं, बाकी जो शेष मोटरसाइकिलें हैं उनके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं कि इनके संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत है। इन लोगों से 4 तमंचे बरामद हुए हैं, इनका आपराधिक इतिहास भी है और उस आपराधिक इतिहास के आधार पर इनके विरुद्ध अग्रिम भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि नेपाल से ये जुड़ा हुआ पूरा मामला है, मोटरसाइकिलें नेपाल जाती थी सर, तो क्या रडार जो फैल रहा है क्या लगता है भविष्य में और भी कुछ बरामद भी होगी और भी लोगों पकड़े जाएंगे? अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी इनके फॉरवर्ड लिंकेज हैं बैकवर्ड लिंकेज हैं उनको हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे और इस प्रक्रिया में जो भी दोषी लोग पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के चंदेरी से खबर, जहां नगर सरकार बनाने के लिए बुजुर्ग और युवा मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लगभग 80% मतदान हुआ। नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के तहत बुधवार को चंदेरी नगरपालिका परिषद के लिए चुनाव संपन्न हुआ। मतदान को लेकर युवाओं सहित बुजुर्गों में उत्साह देखने को मिला। बुजुर्गों ने परिजनों के सारे मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया तो पहली बार अपने मत का प्रयोग करने वाले युवा बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे, जिसमें युवा पीढ़ी बहुत ही उत्साहित दिखाई दी और अपने शहर प्रदेश और देश के विकास के लिए वोट किया। चुनाव में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की क्या इंतजाम किए गए थे? संपूर्ण थाना क्षेत्र को जो नगर पालिका के चुनाव मतदान केंद्र हैं 7 पुलिस मोबाइल सेक्टर में बांटा गया है। इसके साथ साथ QRT मोबाइल है जिसमें थाना प्रभारी अशोक नगर देहात, थाना प्रभारी साढ़ोरा, इसके साथ अलग अलग पुलिस मोबाइल भी घूम रही हैं। 7 पुलिस मोबाइल हैं, सेक्टर मोबाइल 4 हैं और मैं और SDM सर साथ साथ में सारे मतदान केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं, लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। अभी तक कहीं किसी मतदान केंद्र पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। प्रतापगढ़ के लालगंज राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी प्रदेश में इस बार अभूतपूर्व बिजली संकट को लेकर सरकार के प्रबंधन पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय बिजली बहुत ही कम सप्लाई की जा रही है, किसान धान की रोपाई के लिए सिंचाई को लेकर परेशान हो उठा है। उन्होंने सरकार से कहा कि वो मानक के अनुसार बिजली उपलब्ध करवाए और हालात को देखते हुए नहरों में बिना विलंब के पानी बहाल करवाया जाए। सोमवार को स्थानीय कैंप कार्यालय पर जन सुनवाई की समस्याओं के लिए मीडिया से रूबरू हुए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि किसानों के कदम कदम पर धोखा दिया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ समझौता व किसान की आमदनी दोगुनी करने का वायदा या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मोदी सरकार अपने किए वादे को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। कोरोना काल के बाद रियल स्टेट सेक्टर में कारोबार में गिरावट आई। शहरों में मॉल कॉम्प्लेक्स में कमर्शियल स्पेस खाली हो गए, लेकिन अब भी बड़ी बड़ी कंपनियां जयपुर में इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी ले रही है। इसकी वानगी बुधवार को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की एक बड़ी नीलामी में देखने को मिली। इस नीलामी को राजस्थान के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी नीलामी भी माना जा रहा है, क्योंकि किसी भी सरकारी एजेंसी ने अब तक इतने बड़े राशि का एक सिंगल भूखंड कभी नीलाम नहीं किया। बोर्ड ने बुधवार को जयपुर के मानसरोवर स्थित VT रोड पर पड़ी खाली जमीन पर बन रहे सिटी पार्क से लगती करीब 45,632 वर्ग मीटर को नीलाम किया। इस विशालकाय भूखंड को पैसिफिक मॉल नाम की कंपनी ने 1,07,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की उच्चतम बोली लगाकर खरीदा। इस भूखंड के बिकने से बोर्ड को करीब 4,88,26,24,000 रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। जानकारों की माने तो राजस्थान में अब तक इतनी बड़ी राशि का एक सिंगल भूखंड कभी और कहीं भी नहीं बिका। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि मानसरोवर के VT रोड और अरावली बोर्ड के बीच इस जमीन की नीलामी को लेकर रखा गया था। जमीन की शुरुआती बोली 89,500 रुपए प्रति वर्ग मीटर से शुरू हुई। नीलामी के दौरान दो कंपनियां पैसिफिक मॉल और फिनिक्स मॉल के बीच बिड लंबी चली और आखिर में पैसिफिक मॉल ने 1,07,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की उच्चतम बोली लगाकर इस भूखंड को खरीदा है। झालावाड़ से खबर, जहां डग में बेखौफ हथियारबंद बदमाशों ने दंपति का अपहरण कर लिया। आधा दर्जन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। दरअसल आधा दर्जन बदमाशों ने पुलिस अंजाम दिया जिस पर पुलिस आरोपियों की तलाश में लग गई है। वहीं कस्बे के पठारी मोहल्ला निवासी अरविंद मेहर ने 3 माह पूर्व सपना मेहर से लव मैरिज की थी। तब से दोनों साथी हंसी खुशी रह रहे थे। तभी बुधवार रात 9 बजे अज्ञात आधा दर्जन हथियारबंद बदमाश जो कि टवेरा गाड़ी में सवार होकर आए, उन्होंने तलवार और बंदूक की नोक पर अरविंद और सपना का अपहरण कर ले गए। वहीं बीच बचाव के लिए आए अरविंद के भाई राजूलाल मेहर सहित 2 अन्य महिलाओं को भी मारपीट कर घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कस्बे में दहशत फैल गई। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।